रेवती जी के बेटे अभिनव की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था जैसे रेवती जी के घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रेवती जी की बहू खुशबू के घर आने से पहले रसोई हमेशा साफ और चमकती रहती थी, लेकिन 6 महीने में जैसे सब कुछ पुराना सा लगने लगा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उन्होंने अपनी बहू खुशबू को अपने पास बुलाया। अरे खुशबू बेटा, ये रसोई इतनी गंदी क्यों लग रही है? तुमने सफाई नहीं की है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही रसोई की अच्छी तरह से सफाई की थी। वो क्या है ना मम्मी जी, ये अपनी काम वाली है ना कमला, ये ठीक से काम नहीं करती, पूरा फर्श गंदा छोड़ देती है। अरे तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं अभी कमला से बात करती हूँ। रेवती कमला को अपने पास बुलाती है। क्या अरे कमला, तूने सफाई ठीक से क्यों नहीं की? पहले तो तू काम बहुत अच्छे से करती थी, क्या हो गया है अब? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अब भी अच्छे से ही काम करती है। अब क्या बताऊँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन खुशबू भाभी ना पूरी सिंक में गिल्ला कचरा छोड़ देती है और किचन की स्लैब पर तो कपड़ा भी नहीं मारती। अरे लेकिन बहू तो कह रही थी वो सब काम ठीक से करती है। अरे माँ जी, आप एक बार अपनी बहू के काम करने को तरीके को देखिए, फिर आपको पता चलेगा। अगले दिन रेवती खुशबू से इस बारे में बात करती है। मम्मी, एक काम वाली की बातों में आकर आप अपनी बहू पर भरोसा नहीं कर रही हैं? मैं आपके घर की मेंबर हूँ या फिर ये काम वाली? अरे नहीं बेटा, वो कह रही थी कि तुम सारा कचरा ऐसे ही छोड़ देती हो। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ ऐसी काम वाली को निकाल देना चाहिए, मैं कोई दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर खुशबू कमला को काम से निकलवा देती है। अगले दिन अभिनव की बहन नलिनी का फोन आता है। नलिनी अभिनव को बताती है कि वो कुछ दिन के लिए अपने मायके आने वाली है। ये सुनते ही रेवती जी बहुत खुश हो जाती है। देखो खुशबू, नलिनी बहुत वक्त के बाद अपने मायके आ रही है, तुम उसके लिए ना अच्छा खाना बना देना। हाँ जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। अगले दिन जैसे ही नलिनी पहुंचती है, खुशबू और सब लोगों से मिलकर बहुत खुश होती है। अरे वाह भाभी, आपके साथ रहने को मिलेगा, अब तो बहुत मजा आएगा, आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी ना? अरे हाँ नलिनी दीदी, मैं तो चाहती थी कि ऐसा करूँ, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। अरे लेकिन क्यों? वो क्या है ना मम्मी जी, कल रात को मैं अचानक से बाथरूम में फिसल गई और मेरे सीधे हाथ में बहुत जोर से चोट लगी है, इतना दर्द हो रहा है कि हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। अरे रे रे, ये क्या हो गया बहू, मैंने तो सोचा था कि नलिनी इतने दिनों बाद आएगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा और मेरी बहू अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। हाँ लेकिन मैं क्या करूँ मम्मी जी, मेरे हाथ में चोट लग गई है। अरे खुशबू, तुमने मुझे भी नहीं बताया, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं 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 अभी ना, मैंने पट्टी बांध ली है ना, आराम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें लगे डॉक्टर के पास जाना है तो मुझे कॉल कर देना। अभिनव ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद खुशबू एक जगह बैठ जाती है। नलिनी बेटा, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, तू अपने मायके आई है और मुझे तुझसे ही काम करवाना पड़ रहा है। कैसी बात करती हैं आप माँ, ये मेरा भी तो घर है। मेरे हाथ में अभी चोट नहीं लगती ना तो सब कुछ कितना ठीक रहता था, लेकिन अभी तो इसमें इतना दर्द हो रहा है कि मुझे लगता है मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन भाभी, अभी अभी भैया पूछ रहे थे तब तो आपने मना कर दिया। अरे उस वक्त बिल्कुल भी दर्द नहीं था, सच में मैं ना अभी हॉस्पिटल जाती हूँ। हाँ अरे बहू, अकेले मत जा, नलिनी को साथ लेकर जा। नहीं मम्मी जी, दीदी भी मेरे साथ आ गई तो घर का काम कौन करेगा? मेरा मतलब है मैं कुछ कर नहीं सकती ना, तो जब तक मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ तब तक दीदी खाना बना लेंगी। हाँ हाँ भाभी, आप परेशान क्यों होती है, मैं कर लूँगी सारा काम। पर ये काम वाली अभी तक क्यों नहीं आई? अभी आती ही होगी दीदी, अब चिंता मत करिए, हॉस्पिटल के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ कुछ देर के बाद खुशबू अपने कमरे से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर निकलती है। नलिनी और रेवती उसे इतना तैयार होकर हॉस्पिटल जाते देख हैरान रह जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं कहते। खुशबू मुस्कुराते हुए घर से बस जैसे ही बाहर जाती है, सामने से उसे अपनी काम वाली कौशल्या नजर आती है। अरे भाभी जी, आप सुबह सुबह कहीं जा रही है क्या, घर पर काम नहीं करना? अरे नहीं नहीं, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और मम्मी जी भी थोड़ी देर बाद बाजार चली जाएंगी। एक काम करो, आज तुम ना छुट्टी कर लो।
सच में छुट्टी कर लो, बाद में डांटेंगे नहीं ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, बस 5 मिनट बाद मम्मी जी भी घर से निकल जाएंगी, फिर घर पर कोई नहीं होगा। तुम अपने घर जाओ, और कभी कभी तो तुम्हें छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं। खुशबू की बात सुनकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है, पर खुशबू जी हॉस्पिटल जाने की बजाय पहुँच जाती है अपनी सहेली ईशा के घर। अरे ईशा, तुम यहाँ पर? और क्या बात है, सुबह सुबह इतना तैयार होकर आई हो। ये हाथ पर पट्टी क्यों बांधी है? सब ठीक तो है ना? अरे ये सब तो नाटक है। इतना कहकर खुशबू अपने हाथ पर लगी हुई पट्टी हटा देती है। लेकिन तुमने अपने हाथ पर पट्टी बांधी ही क्यों? अरे वो क्या है ना, मेरी ननद आई हुई है और मेरी सासू माँ को लगता है कि मुझे सारा वक्त उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना चाहिए, तो बस मैंने भी हाथ पर चोट लगने का बहाना कर लिया, और ये देखो हॉस्पिटल जाने के बहाने तुमसे मिलने चली आई। काफ़ी देर तक ईशा से गप्पे मारने के बाद खुशबू अपने घर पहुँचती है और अपनी ननद नलिनी को काम करता देख मन ही मन बहुत खुश होती है। आया ना मज़ा? बहुत आई थी मायके की सैर करने, मुझसे खाना बनवाएगी। क्या कहा बेटा डॉक्टर ने, तुम्हारा हाथ कब तक ठीक हो जाएगा? क्या बताऊँ मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि रेस्ट करना पड़ेगा, इस हाथ से अगर ज़रा सा भी काम किया तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भाभी, हॉस्पिटल में आपको काफ़ी देर लग गई ना? हाँ आप जानती है ना, आजकल हॉस्पिटल में कितनी भीड़ रहती है, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, और उसके बाद एक्सरे और सारी चीज़ होते होते काफ़ी देर लग गई। मुझे ना जोरों की भूख लगी है। अब चिंता क्यों करती भाभी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। थैंक यू सो मच दीदी। वैसे मन ही मन मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि आपको यहाँ सारा काम करना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आज तो काम वाले भी घर पर नहीं आए, नलिनी बहुत परेशान हो गई, सुबह से उसे सारा काम करना पड़ा। पता नहीं मम्मी जी, इस काम वाली ने आज छुट्टी क्यों कर दी, आने दीजिए उसे, कल बताती हूँ अच्छे से। अगले दिन काम वाली कौशल्या जब रेवती के घर आती है। क्या रे कौशल्या, कल तूने बिना बताए छुट्टी क्यों ले ली? बिना बताए क्या मतलब है, मुझे तो खुशबू भाभी ने छुट्टी दी थी, उनके कहने पर मैं आपके घर नहीं आई। क्या खुशबू, जब तुम जानती थी घर में मेहमान आए हुए हैं, नलिनी को सारा काम करना पड़ेगा, तो तुमने कौशल्या को छुट्टी क्यों दे दी? मम्मी जी, अब फिर से काम वाली की बातों में आकर अपनी बहू पर शक कर रही हैं। मैंने कौशल्या को कोई छुट्टी नहीं दी। अरे मैं तो कल घर पर थी ही नहीं, ये बहाना लगा रही है, झूठ बोल रही है आपसे। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भाभी, कल आप ही ने मुझसे कहा था ना कि घर पर कोई नहीं है। अरे मेरा दिमाग ख़राब है क्या, मेरी बेचारी ननद को सारा काम करना पड़ा, मैं भला तुम्हें छुट्टी क्यों दूंगी? इस तरह से खुशबू एक बार फिर झूठ बोल देती है। जितने दिन नलिनी अपने मायके में रहती है उसे पूरा काम करना पड़ता है। नलिनी के जाते ही खुशबू अपने हाथ से पट्टी हटा देती है और फिर से अच्छे से रहने लगती है। अरे खुशबू, वो तुम्हारा मेडिकल का बिल तो देना, तुम हॉस्पिटल गई थी ना? लेकिन वो बिल तो मैंने फेंक दिया। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में गई थी? यही पास में जो सिटी हॉस्पिटल है ना, उसी में गई थी। अच्छा अच्छा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस हॉस्पिटल में मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं किसी से भी बिल निकलवा लूँगा। अरे लेकिन आपको बिल की क्या ज़रूरत है? अरे ज़रूरत है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अभिनव की बात सुनकर अब खुशबू बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन अभिनव अगले दिन हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ पर खुशबू के हाथ की चोट के बारे में अपने दोस्त से बात करता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि खुशबू तो वहाँ पर कभी इलाज के लिए पहुँची ही नहीं। वो वापस लौट कर आता है। खुशबू, मैंने सिटी हॉस्पिटल में पता किया, वहाँ के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में मेरा दोस्त डॉक्टर है, उसने कहा कि तुम कभी अपना हाथ दिखाने वहाँ पर गई नहीं। अरे झूठ बोल रहा है आपका दोस्त, वैसे भी उस दिन ना वो छुट्टी पर होगा, ज़रूरी तो नहीं ना कि जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई आपका दोस्त भी हॉस्पिटल आया हो। बहुत ठीक कह रही है बेटा, तुम भी ना उसके पीछे पड़ गए हो, एक बिल को लेकर अपनी बीवी पर शक कर रहे हो। सॉरी मॉम, मुझे लगा कि बिल मिल जाएगा तो मैं ऑफिस में क्लेम कर दूंगा, बस इसीलिए पूछ रहा था। एक बार फिर से रेवती और अभिनव मक्कार बहू की मक्कारी का शिकार बन गए थे और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। भयंकर तूफानी रात थी, तेज हवा के साथ बारिश का कहर छाया हुआ था, सड़क की लाइट बंद चालू हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अधिराज अपनी कार में सवार
एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसे गाड़ी की हेडलाइट से एक औरत रास्ते के बीच खड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत गाड़ी रोकता है और उस औरत से कहता है, ओ मैडम जी, इतनी तूफानी बारिश में आप बीच सड़क क्या कर रही हैं? मैं घर में फुल टाइम मेड का काम करती थी, पर आज वो लोग विदेश चले गए और साथ ही मेरी नौकरी, रहने का ठिकाना सब चला गया। अब इस दुनिया में ना मेरा कोई घर है ना ही कोई साथ। अधिराज को मोहिनी की बातें, उसकी सच्चाई, मासूमियत और आंखें देखते ही उससे प्यार हो जाता है। वो उसे कहता है, अब आप एक काम करिए, पहले कार में चलकर बैठ जाइए, आप भीग रही हैं। मोहिनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकलकर एक कैफे में जाकर रुकते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। अधिराज मोहिनी को गर्म कॉफी भी पिलाता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बचपन से अनाथ हूँ, ना रहने का कोई ठिकाना, और आजकल के इस निर्दयी जमाने में अकेले रहना मानो किसी खौफनाक जंगल में रहने के समान हो गया है। अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा अपने घर। अब इन आंसुओं को पोछो, चलो और एक बार मुस्कुरा दो। क्या आपको नौकरानी की जरूरत है या फिर बस दया दिखा रहे हो मुझ पर? अरे नहीं नहीं, हमें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है। फिर आप मुझे किस नाते से ले जाएंगे? आपके घर वाले क्या कहेंगे? ये सुनते ही अधिराज सोच में पड़ जाता है और फिर वो कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने घर अपनी बीवी बनाकर ले जाऊंगा। यहीं पास में एक मंदिर है, हम दोनों वहां शादी कर लेते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। क्या सच में? नहीं नहीं, मुझे चुटकी भर का भी एतराज नहीं है, मुझे मंजूर है। फिर क्या, अधिराज मोहिनी संग शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। अधिराज के परिवार में उसकी माँ पुष्पा, बहन नैना और पिता सुरेंद्र जी होते हैं। अधिराज को एक अनजान लड़की के साथ ब्याह रचाकर उसे बहू बनाकर लाए हुए देख पुष्पा, नैना और सुरेंद्र एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या, ये तूने क्या कर दिया बेटा? अरे ऐसे कैसे किसी अनजान सड़क पर मिली हुई औरत से शादी कर ली तूने? हाँ भाई, पल में ही मिले और पल में ही जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी कर लिया। अरे तनिक घर लाता, बातचीत कराता, इतने विकराल मौसम में तूने शादी भी कर ली। सच में तू हमारा अधिराज ही है या उसका हमशक्ल या कोई बहरूपिया? अरे माँ, पापा, नैना, आप इतना सिनेरियो क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आधी बात सुनना हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधिराज बात को घुमा देता है और अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर घर वालों को बताता है। अरे पूरी बात तो सुन लो, दरअसल मोहिनी और मैं एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे कैसे? मैंने तो कभी नहीं देखा इसे, और प्रूफ क्या है? फोटो दिखा, फोटो तो खींची होगी ना इसके साथ? अब हाँ है ना, लेकिन वो मेरा फोन बारिश में भीग गया और कहीं गिर गया, उसमें सारे फोटोज थे। देखो अभी भी आप सबको यकीन नहीं है तो मोहिनी और मेरे रिश्ते के बारे में मेरे बाकी दोस्तों से पूछ लो। वो तो आज 9 बजे तक ही शुभ मुहूर्त था और अगला शुभ मुहूर्त सीधे 3 महीने बाद है, इसलिए हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। आई एम सॉरी माँ, पापा, नैना, मुझे माफ कर दो। अरे रहने दे रहने दे, अब इसे तू अपनी बीवी बनाकर लाया ही है तो हम कुछ कर तो नहीं सकते सिवाय इसे अपनाने के। यस माँ सही कह रही है। जाओ पुष्पा, आरती की थाल, चावल से भरा हुआ कलश और लाल गीले कुमकुम आलता की थाल ले आओ। और फिर मोहिनी कलश को लांग कर अपने पैरों को कुमकुम में डाल छापों से गृह प्रवेश करती है। मोहिनी के घर में आते ही सभी उस पर दिन के 8 पहर नजर रखे हुए होते हैं। मोहिनी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? सासू माँ, मेरा कोई रिश्तेदार परिवार का सदस्य नहीं है,
बचपन में ही एक हादसे में मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। ओह सो सॉरी। अरे कोई नहीं, चलिए आप सब डाइनिंग टेबल पर हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए खाना लाती हूँ। आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है आपके लिए, क्योंकि वैसे तो आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना। अरे वाह वाह, चलो जल्दी से लगाओ खाना। तभी हाथ मुंह धोने चले जाते हैं, तभी अकेले में अधिराज मोहिनी से पूछता है, मोहिनी तुम्हें किसी बात की चिंता या दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं अधिराज, इनफैक्ट आपकी फैमिली तो बहुत ही केयरिंग और लविंग है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, मैं आपको कभी शिकायत का या नाराजगी की गुंजाइश होने नहीं दूंगी। अधिराज मुस्कुराता है। फिर डिनर पर सभी मोहिनी के हाथों से बने खाने का इंतजार करते हैं। तभी मोहिनी सभी के लिए नॉनवेज के शाही पकवान बनाकर लाती है, जिन्हें देखते ही पुष्पा कूद उठती है। आय हाय हाय हाय, राम 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 राम, ये क्या कर दिया इस कलमुही ने। पुष्पा कुर्सी पर खड़ी हो जाती है। भाभी ये आपने क्या अनर्थ कर दिया, हमारे घर पर नॉनवेज नहीं पकाया जाता, हम ब्राह्मण हैं। आपको अधिराज भाई ने बताया नहीं क्या कभी? ओह नो, सॉरी मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, अब इसे जल्दी से जाकर बाहर फेंक दो। अब मैं गंगाजल घर के चारों कोनों में छिड़कता हूँ और मोहिनी से भी नहाने के लिए कह देता हूँ। अरे न जाने क्यों बांध लिया मेरे बेटे ने इस कलमुही को अपने गले, ना रिश्ता पक्का किया ना कुछ, मुंह उठाकर शादी करके ले आया। अगर ऐसे ही करना था तो घर के तौर तरीके भी समझा देता ना। तू भी बेवकूफ और वो तो डबल ट्रिपल बेवकूफ। प्यार में पूरी दुनिया अंधी होती जा रही है, मैं तो चली अपने कमरे में सोने। दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे मोहिनी घर वालों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगती है। अधिराज ये लीजिए आपका टिफिन, सासुमा आपकी कम चीनी और ज्यादा अदरक वाली चाय। नैना ये तुम्हारी ग्रीन टी, और पापा जी ये आपका अखबार और चश्मे। मोहिनी एक सर्वगुण संपन्न बनने की कोई कसर नहीं छोड़ती। एक शाम सब एक साथ बैठे होते हैं और टीवी चल रहा होता है, तभी टीवी पर एक न्यूज आती है। तो दर्शकों आज की ताजा और सनसनीखेज रिपोर्ट है, एक ऐसी रहस्यमय औरत की जिसकी ना तो किसी ने शक्ल देखी है ना कोई उसे ठीक से जानता है। वो लोगों के साथ रहती है और उन्हें लूट कर भाग जाती है। अगर आपको भी आपके आसपास में कोई ऐसी संदिग्ध औरत दिखाई दे या आपसे मिले तो नीचे दिए गए पुलिस लाइन नंबर पर तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिएगा। कैसा गंदा माहौल हो गया है आजकल, तो किसी पर भी भरोसा करना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। अरे आजकल तो कुछ भी हो रहा है। खैर मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, बाय एवरीवन। लेकिन माँ आप भी सावधान रहिएगा, कहीं वो औरत आपसे ही सब्जी मंडी में ना मिल जाए। सही कहा ना, ना। तीनों आपस में बात करते हंस रहे थे। वहीं कुछ दूर मोहिनी खड़ी होती है जिसके चेहरे पर रहस्यमय हंसी होती है। उसी रात जब सब सो जाते हैं तो मोहिनी चुपके से उठकर घर की सारी अलमारियों में ताका झांकी करने लगती है। इस अलमारी में ही होना चाहिए, पर मिल क्यों नहीं रहा? अरे यार अगर यहाँ देरी हुई तो सब खराब हो जाएगा, कहाँ है? तभी उबासी लेते हुए नैना वहां पर आ जाती है। भाभी इतनी रात गए आप ये अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? कुछ भी तो नहीं। वो मैं अलमारी में से कल सुबह के लिए साड़ी निकाल रही थी। कल मैंने सोचा है कि सुबह सवेरे उठकर मंदिर जाकर हलवा का भोग चढ़ाऊंगी। मुझे रात में नींद नहीं आती ना, तो मैं कभी स्केचिंग कभी डांसिंग तो कभी अलमारी की सफाई या अगले दिन की तैयारियाँ ऐसा कुछ करती रहती हूँ। वैसे तुम क्यों उठी इस वक्त? ओह अच्छा, मुझे ना पानी पीना था इसलिए उठी थी। कंटिन्यू कंटिन्यू। बाय, गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। नैना वहाँ से चली जाती है और फिर
बस कुछ दिन और। ऐसे ही मोहिनी घर खाली मिलते ही ताका झाकी करती रहती और देखते ही देखते कुछ दिन में पुष्पा के संदूक में से सारे सोने के गहने, सुरेंद्र की सोने की अंगूठियां, नैना का डायमंड का नेकलेस और प्रॉपर्टी के कागज सब मोहिनी के हाथ लग जाते हैं। आधा घर तो लूट लिया है मैंने और प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली। अब बस कुछ दिन और फिर मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी और वहां इनका घर। कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह अचानक से मोहिनी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे बाप रे, 104 बुखार, ये तो काफी गंभीर बात है। शायद से मौसम के बदलाव के कारण इन्हें बुखार आया है। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे टाइम रहते बुला लिया, वरना जान का खतरा भी हो सकता था। मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ और आप इन्हें अगले 24 घंटों तक मॉनिटर करते रहिएगा। इनके पास हर समय कोई ना कोई होना ही चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अब मोहिनी को कोई भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। हर समय उसके पास कोई ना कोई बैठा रहता और सब उसका बहुत ख्याल रखते। ये ले, आकर आ। हाँ मोहिनी बहू, देख मैंने तेरे लिए दाल खिचड़ी बनाई है। शुक्रिया सासुमा। मोहिनी भाभी ये लो, मैं आपके लिए पूरे 2 घंटे बाजार में भटक भटक कर ये ताज़ी जैस्मिन के फूल लाई हूँ और ये फ्लावर वेज आपके पास ही रहेगा, तो इनकी खुशबू से आपकी तबीयत में और सुधार आ जाएगा। आई न्यू कि आपको जैस्मिन बहुत पसंद है ना? और ये देखो मोहिनी बहू, मैंने तुम्हारे लिए पास की बेकरी से तुम्हारे पसंदीदा क्रीम रोल लाए। तुम उस दिन चाय पीते वक्त कह रही थी ना कि तुम्हें क्रीम रोल कितने पसंद है। थैंक यू सो मच नैना, थैंक यू सो मच पापा जी। घर वालों का इतना प्यार और अपनापन देखकर मोहिनी की आंखें भर आती है। रात भर अधिराज भी सोने की जगह बस मोहिनी के पास बैठा रहता और उसका ध्यान रखता। वो कभी उसके हाथ दबाता तो कभी पैर, उसके सर से ठंडी पट्टियां बदलता और ऐसे ही पूरी रात निकल जाती। फिर सुबह मोहिनी उठती है तो देखती है कि अधिराज बैठे बैठे ही सो गए हैं। ये दृश्य देखकर मोहिनी फिर से भावुक हो जाती है। मैं नहीं जानती कि ये मुझे क्या हो रहा है, लेकिन इतना अच्छा परिवार, इतना प्यार करने वाले सास ससुर और ननद, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति शायद ही किसी के नसीब में होगा। आज मैंने जो जो गलत काम किए हैं उन सब पर मुझे बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं कितनी गलत थी जो धन के पीछे भाग रही थी, जबकि इस दुनिया का असली धन तो प्यार और परिवार है। लूटने आई हुई रहस्यों से भरी मोहिनी का लालची और बुरा मन प्यार और परिवार के स्नेह के सामने घुटने टेकने लगता है। वो अपने ससुराल वालों पर दिल हार बैठती है और उसे भी अधिराज से प्यार होने लगता है। उसके मन में अपने सास ससुर और ननद के लिए प्यार और चिंता आने लगती है। बस आज मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगी और अपनी आगे की जिंदगी इसी घर की बहू बनकर बिताऊंगी, क्योंकि अब मुझे इस परिवार से प्यार हो गया है। इस परिवार से मिलकर मुझे असली प्यार और उसकी अहमियत का पता चला है। अब मोहिनी ससुराल लूटने का प्लान छोड़कर मौका देखकर सब चुराया हुआ सामान वापस उनकी जगह पर रख देती है और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी वापस बदल देती है, जिसके बाद वो अपनी पिछली जिंदगी का रहस्य वहीं दबा अपने पति और ससुराल के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है।